भारी बरसात के बाद जिला प्रशासन संभावित बाढ़ की तैयारियों में जुट गया है, जिसके तहत शनिवार को 11वीं एनडीआरएफ एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में 12 से 18 जुलाई तक सभी तहसीलों में बाढ़ आपदा प्रबंधन के अंतर्गत मार्ग ड्रिल के अभ्यास कर लोगों को प्रशिक्षित व जागरूक किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राप्ती नदी के तट पर ग्राम कोलखास तहसील गोला में बाढ़ आपदा प्रबंधन मार्ग ड्रिल का आयोजन किया गया। मार्ग ड्रिल अभ्यास में क्षेत्रीय केंद्र 11वीं एनडीआरएफ की टीम में के कमांडर निरीक्षक डीपी चंद्रा के द्वारा बाढ़ प्रभावित ग्रामों में ग्रामीणों को बाढ़ से पहले, बाढ़ के दौरान एवं बाढ़ के बाद होने वाली सावधानियों, घरेलू सामानों का इस्तेमाल कर उसका इस्तेमाल करने का तरीका, पानी में जाकर बचाने का तरीका एवं बाहर से ही बचाने का तरीका, आपदाओं के दौरान घायल हुए व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचने से पूर्व प्राथमिक चिकित्सा, बाढ़ के समय पानी फिल्टर करने का तरीका इत्यादि बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस मार्ग के दौरान एनडीआरएफ की टीम के द्वारा बाढ़ जैसी दृश्य उत्पन्न कर विभिन्न प्रकार के बचाव तकनीक अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों में आपदा के प्रति जागरूक एवं बाढ़ के बारे में जानकारी प्रदान करना था, जिसे आपदा आने पर होने वाली हानि को कम से कम किया जा सके। इस मौके पर उप जिलाधिकारी गोला अरुण कुमार सिंह, निरीक्षक डीपी चंद्रा एवं एनडीआरएफ टीम शशिभूषण पांडे, तहसीलदार गोला सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। तो वो ऊपर में हाइट वाले जगह में हो, उससे फायदा यह होगा कि जो आपको जल है आसपास का जल प्रदूषित नहीं होगा, या जो मलबा है आपके घर के अंदर नहीं आएगा जब वो पानी भरेगा। तो ये मेन चीज़ें हैं। दूसरा, साथ ही साथ आप फ्लड आने से पहले हम आपको बताएंगे कि कुछ राफ्ट होते हैं जिसका इस्तेमाल आपको पानी में तैरने के लिए आवश्यक है, जो आपको मदद करता है पानी में तैरने के लिए। उन राफ्ट को पहले ही तैयार कर लें, हम उसको डेमोस्ट्रेशन करके ये बताएंगे कि राफ्ट किस तरीके से मदद करता है। लेकिन हमारा जो है वो मॉडल रूप में, छोटे रूप में है, आप उसको बृहत रूप में भी आप बता सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि बाढ़ के दौरान क्या करना चाहिए। बाढ़ के दौरान आपको बाढ़ से पहले ही आपके पास एक आपात राहतकालीन किट होना चाहिए। उसमें क्या क्या सामग्री हो, पहले बात उसमें टार्च होना चाहिए, एक्स्ट्रा बैटरी होना चाहिए, आपके पास रेडियो होना चाहिए। रेडियो का फायदा यह है कि जो भी आपको सूचना मिलेगा, इसे बचाना है तो इसको क्या करेंगे, उल्टा रखेंगे ढक्कन वाले हिस्से को, प्रॉपर ढक्कन इसका बंद होना चाहिए। बॉटम के रूप से एक तो बॉडी का जो पीछे वाला हिस्सा है और एक लेक वाले हिस्से से बॉटम को इस तरह से प्रॉपर इसको क्या करेंगे बांध देंगे। और सेम यहाँ पे आप पीछे जो लूज इंड है इस तरह से नहीं होगा, लूज इंड क्या होगा हमेशा ही कवर होगा, इस तरीके से क्या होगा कवर होगा, क्योंकि कहीं भी फंस गए या कुछ भी हो गया तो खुल सकता है। तो इस तरीके से क्या होगा ये आपका, अभी इसको हम पानी नदी में ले जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कैसे उपयोग होता है। ये बाली बाल है तो इसमें जिसमें भी चीज है, जिसमें एयर फील्ड है, इसमें भी एयर फील्ड है तो क्या करेगा आपको छोटी में मदद करेगा। बाली बाल भी हो सकता है, बास्केटबॉल भी हो सकता है, फुटबॉल भी हो सकता है, इस तरीके से। ये जेरिकेन है, सबके घर में मिलता होगा, लेकिन इसमें कैप प्रॉपर तरीके से बनना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसके अंदर पानी घुस जाए। अगर ये पानी घुसेगा तो फिर ये आपको भी डूब जाएगा। तो ये इस तरीके से चेस्ट के पास रहेगा, चेस्ट के पास रहने से क्या है कि ऊपर वाले हिस्से को डूबने नहीं देगा और आप आसानी से सांस ले सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर और साथ में उनके पीठ में बंधा हुआ है, तो ऑक्सीजन के सहारे अंदर 40 मिनट तक आराम से पानी के अंदर रह सकते हैं। निकालना है तो उसी इंडिकेशन के आधार पर इंडिकेशन देते हैं, उसी आधार पर फिर जितना होगा नीचे वाला जो है वो बाहर निकलता है। जिसमें लोकल भाषा में आप लोग गोता खोर बोलते हैं, तो इस तरीके से आप स्लीपर है या जो भी बोले नाव के तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप बड़े रुखे भी बना सकते हैं। हाँ, और बहुत सारे बंबू की तरह से बांध के भी आप बंबू का भी बना सकते हैं। अगर तेज इस्तेमाल कर रहे हैं स्कूल में 4 आदमी या 3 आदमी आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर सिंगल है तो आप उसके बीच उस तरीके से हाथ को फटा लीजिए और उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं आसानी से तैर सकते हैं। लेकिन कभी भी
वो एडवेंचर करने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि हम बनारस में गए थे, वहाँ पे दो लोग पुल के अंदर घुस गए थे, 2016 की बाढ़ की बात है, और उनको आशा से फंस गया, डरने लगे थे, उनको बड़ा मुश्किल से बाहर निकाले थे। तो ये नहीं करना, एक का टीम है तो एक ही आदमी जाएगा, दो नहीं जाएगा उसमें, तो खासकर बच्चों में ध्यान नहीं है चीजों से। तो ये जो चीजें हैं आपका मेन जागरूकता के लिए था, बहुत सारी चीजें हैं ऐसा, आप बहुत सारे बंबू के माध्यम से भी बना सकते हैं, चरपाई के माध्यम से भी बना सकते हैं, बहुत सारे आप बना सकते हैं। आज दिनांक 13/7/2019 को ग्राम पटना पटनवा घाट रातिन के किनारे एक थर्ड मोगा में कुछ साइज का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों में बाढ़ के प्रति जागरूकता पैदा करना था। इस मुख्य साइज के दौरान एनडीआरएफ की टीम के द्वारा जो ड्राई मेथड वेट मेथड द्वारा किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है, साथ ही साथ एक बोट के साइज का सीन क्रिएट किया गया। सीन के दौरान किसी डुबते व्यक्ति को किस तरीके से हम बचाते हैं उसको मुख्य साइज के माध्यम से दर्शाया गया है। इसी क्रम में जो घरेलू संसाधन होते हैं, जैसे आपका बॉटल हो गया, नारियल्स हो गए या बम्बू होते हैं, उसके माध्यम उन सामानों का किस तरह से उपयोग किया जाता है और उपयोग करके किस तरह से फ्लोटिंग नेट या राफ्ट बनाया जाता है उसके बारे में बताया गया, जिसका उपयोग हम बाढ़ के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में आसानी से कर सकते हैं।